नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 40 बाई 45 फीट हाउस स्लैब ढलाई में लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना पैसा लग जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि सीमेंट कितना बैग लगेगा, कितने रुपए का लगेगा, सैंड और एग्रीगेट कितना क्यूबिक फिट लग जाएगा, कितने रुपए का लग जाएगा, और इसके साथ साथ पूरे स्लैब की ढलाई में स्टील कितना किलोग्राम लगेगी, कितने रुपए की लगेगी, और स्लैब ढलाई करने में लेबर का कुल कितना पैसा हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपसे एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि 40 फीट बाई 45 फीट हाउस स्लैब रिक्वायर मटेरियल, यानी कि 40 बाई 45 फीट के घर के स्लैब ढलाई में लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना पैसा लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा 40 फीट बाई 45 फीट का होम प्लान है और इसी के आधार पे हमने कैलकुलेशन किया हुआ है। तो सबसे पहले यदि हम सीमेंट की बात करें तो पूरे स्लैब की ढलाई में 175 बैग सीमेंट लग गया, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि स्लैब के नीचे कुछ इस तरीके से जो स्लैब बीम होती है, स्लैब बीम की ढलाई में 19 यानी कि 19 बैग अलग से लगा। तो चलिए दोनों का टोटल करके देखते हैं कि स्लैब और स्लैब बीम की ढलाई में टोटल कितना बैग सीमेंट लग गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 194 यानी कि 194 बैग सीमेंट लग गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल 194 बैग सीमेंट लगा। और यदि हम एक बैग के सीमेंट के प्राइस की बात करें तो हमें 425 रुपये का एक बैग का सीमेंट मिल गया। तो चलिए गुणा करके देखते हैं कि 194 बैग का टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 82,450 यानी कि 82,450 रुपए हो गया। तो चलिए हम यहां पर लिख लेते हैं, और यहां पे यदि हम कंक्रीट रेशियो की बात करें तो 1:3 का है, और स्लैब के थिकनेस की बात करें तो 5 इंच है, और स्लैब अपने प्लॉट एरिया से थोड़ा बहुत आगे पीछे निकला हुआ है। तो कितना निकला है वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे। अब चलिए देखते हैं कि टोटल सैंड यानी कि टोटल रेत कितनी लगी। तो पूरे स्लैब की ढलाई में 432 क्यूबिक फीट सैंड लगी, और इसके साथ साथ स्लैब के नीचे कुछ इस तरीके से जो स्लैब बीम होती है इसकी ढलाई में 46 क्यूबिक फीट अलग से लगी। तो चलिए दोनों का टोटल करके देखते हैं कि स्लैब और स्लैब बीम की ढलाई में टोटल कितना क्यूबिक फीट सैंड यानी कि रेत लग गई। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि स्लैब और स्लैब बीम की ढलाई में 478 क्यूबिक फीट सैंड लगी है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और यदि हम 478 क्यूबिक फीट सैंड के प्राइस की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे एरिया में 75 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से सैंड मिल रही है। तो चलिए हम यहाँ पर 75 से गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 478 क्यूबिक फीट सैंड का 35,850 रुपये हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सैंड के बाद यदि हम एग्रीगेट की बात करें तो पूरे स्लैब की ढलाई में 646 क्यूबिक फीट एग्रीगेट लगी है, और स्लैब के नीचे कुछ इस तरीके से जो स्लैब बीम होती है इसकी ढलाई में 69 क्यूबिक फीट अलग से लग गया। तो चलिए दोनों का टोटल करके देखते हैं कि टोटल कितना क्यूबिक फीट एग्रीगेट यानी कि गिट्टी लगी है। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि स्लैब और स्लैब बीम की ढलाई में टोटल 715 क्यूबिक फीट एग्रीगेट लग गई। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यदि हम 715 क्यूबिक फीट एग्रीगेट के प्राइस की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे एरिया में 79 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से एग्रीगेट मिल रही है। तो चलिए गुणा करके देखते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 56,485 रुपये का हमारा एग्रीगेट हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एग्रीगेट के बाद यदि हम स्टील की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्लैब ढलाई करने से पहले कुछ इस तरीके से स्लैब स्टील जाल बांधा जाता है, तो कुछ इस तरीके से पूरा स्टील जाल बांधने में 1548 किलोग्राम सरिया लग गया। यह 1548 किलोग्राम जो सरिया है वो 10 mm की है। तो स्लैब का स्टील जाल बांधने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि स्लैब में कुछ इस तरीके से स्लैब बीम बनाई जाती है, तो पूरा स्लैब बीम बनाने में 345 किलोग्राम सरिया अलग से लगा। यह 345 किलोग्राम जो सरिया है यह 12 mm की है यानी कि 12 mm की है, और स्लैब बीम में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से रिंग लगाई जाती है, तो इस रिंग को बनाने में 170 किलोग्राम सरिया अलग से लगा। यदि हम रिंग बनाने वाले सरिये की साइज की बात करें तो 8 mm है। तो चलिए टोटल करके देखते हैं कि स्लैब जाल और इसके साथ साथ स्लैब बीम और स्लैब बीम में कुछ इस तरीके से जो रिंग लगती है सभी का मिलाकर 40 बाई 45 फीट के घर का स्लैब ढलाई करने में टोटल कितना सरिया लग गया।
तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 2063 किलोग्राम सरिया लग गया, यानी कि पूरे स्लैब की ढलाई में 2063 किलोग्राम सरिया लगा है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे एरिया में 67 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से स्टील यानी कि सरिया मिल रही है। तो चलिए गुणा करके देखते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1,38,221 रुपये का हमारा स्टील हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 1,38,221 रुपये का स्टील हो गया। स्टील के बाद यदि हम लेबर रेट की बात करें, यानी कि पूरे स्लैब की ढलाई में जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था यदि हम उसकी बात करें तो 36 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था। तो चलिए इस प्लान के आधार पर हम आपको बताते हैं कि टोटल कितने स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई हुई है। तो इस प्लॉट एरिया की लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 40 फीट है, बट स्लैब ढलाई करते समय आपने देखा होगा कि स्लैब को प्लॉट से अगल बगल थोड़ा बहुत निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर 1 फीट इस तरफ निकाला गया और 1 फीट इस तरफ निकाला गया, तो ये 40 फीट से बढ़कर 42 फीट हो गया। इसी तरीके से यदि हम इस तरफ की बात करें तो प्लॉट की जो टोटल चौड़ाई है वो 45 फीट है, बट स्लैब की ढलाई करते समय 2 फीट बाहर की तरफ निकाला गया और 1 फीट पीछे की तरफ निकाला गया, तो टोटल मिलाकर ये 45 फीट बढ़कर 48 फीट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 2016 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल लेबर ने 2016 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई की थी और 1 स्क्वायर फीट स्लैब ढालने का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था यानी कि लेबर रेट हुआ था वो 36 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था। तो चलिए गुणा करके देखते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि लेबर रेट 72,576 रुपये हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल लेबर रेट 72,576 रुपये हो गया। अब क्वेश्चन उठता है कि इस 72,576 रुपये में लेबर ने क्या क्या किया था। तो 36 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो इसी 36 रुपये में कॉन्ट्रैक्टर की शटरिंग थी। शटरिंग के साथ साथ कुछ इस तरीके से जो स्टील जाल बांधा जाता है, स्टील जाल बांधने का लेबर रेट था और इसके साथ साथ पूरा शटरिंग बांधने का लेबर रेट था और स्लैब की ढलाई करने का लेबर रेट था। तो इतना सब कुछ करने का 36 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 72,576 रुपये हुआ था। अब चलिए टोटल करके देखते हैं कि 40x45 फीट हाउस स्लैब ढलाई में सीमेंट सैंड एग्रीगेट स्टील और लेबर का मिलाकर टोटल कितना पैसा हो गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि केवल स्लैब ढलाई में 3,85,582 रुपये का खर्च हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यदि आप 40 फीट बाई 45 फीट हाउस स्लैब ढलाई कराने की सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका 3,85,000 से लेकर 4 लाख के बीच का खर्च हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।